आपका पहला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? आपके ऑप्शन है ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1945 में, डी 1948 में। आपका आंसर है बी 1943 में। आपका दूसरा सवाल है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? आपके ऑप्शन है ए गुजरात में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी हरियाणा में। आपका आंसर है ए गुजरात में। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई है? आपके ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका चौथा सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले स्थायी सेना का निर्माण किया था? आपके ऑप्शन है ए जहांगीर ने, बी इल्तुतमिश ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका आंसर है डी अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका पांचवा सवाल है, इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसने आज तक कभी युद्ध में भाग नहीं लिया है? आपके ऑप्शन है ए भूटान ने, बी स्विट्जरलैंड ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने, डी साउथ अफ्रीका ने। आपका आंसर है बी स्विट्जरलैंड ने। आपका छठा सवाल है, भारत में सबसे पहले किस शहर को खोजा गया था? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा को, बी उज्जैन को, सी आगरा को, डी चेन्नई को। आपका आंसर है ए हड़प्पा को। आपका सातवां सवाल है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए डुरंड रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है बी रेडक्लिफ रेखा। आपका आठवां सवाल है, सबसे पहले सिम कार्ड का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए चीन में, बी जापान में, सी भूटान में, डी जर्मनी में। आपका आंसर है डी जर्मनी में। आपका नौवां सवाल है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रूस ने, बी फ्रांस ने, सी भारत ने, डी अमेरिका ने। आपका आंसर है सी भारत ने। आपका दसवां सवाल है, इनमें से किस पक्षी के पास इंसान से भी ज्यादा तेज दिमाग होता है? आपके ऑप्शन है ए मोर के पास, बी हमिंगबर्ड के पास, सी कोयल के पास, डी कबूतर के पास। आपका आंसर है डी कबूतर के पास। आपका ग्यारहवां सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु को, बी जयपुर को, सी लखनऊ को, डी अहमदाबाद को। आप सभी लोग इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।